अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इनक्रेडिबल पैराडाइज। तो यार मुझे पता है कि लाइक 45 दिन ऑलमोस्ट 46 दिन बाद वीडियो अपलोड होगी, तो ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। उसका रीजन है कि मेरे हेडफोन्स आप देख रहे हैं कि चेंज है भाई। नाइस देखो ये दूसरे लाइट्स वाले हैं, प्रोफेशनल लग रहे थोड़ा सा। मैंने ये मंगवाए, मेरे एक्चुअली दूसरे हेडफोन्स थे उनका माइक टूट चुका था, मैंने टेप लगा कर दिया हुआ था पर अब वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने नए नए या खरीदा हेडसेट पूरा तो हो गया। एक्चुअली मैंने दराज से नहीं, अली एक्सप्रेस से खरीदा था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब अभी ये 3-4 दिनों पहले ही आया है, तो इस वजह से मैंने आज रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं इनक्रेडिबल पैराडाइज, और वर्ल्ड्स में थोड़ा मसला हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू द सो बॉयज वी आर बैक इन इनक्रेडिबल पैराडाइज। अच्छा, मैं सबसे पहले ना आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने कोरोना इसकी वो फॉर्मेशन चेंज किया, मतलब पहले कहीं और था, कहीं और ठीक है। और आपको ना मैं एक चीज दिखाने लगा, ये मैंने उसका वो रास्ता बनाया, वो आपको जो दिख रहा है ना वो शायद पिछली बार नहीं था, मुझे याद भी नहीं इतने दिन हो गए, बट एक चीज मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ, ये जो है ना ये देखो, ये पॉन्ड नहीं होता, ये नेचुरली जनरेट नहीं होते, ये कोई वो है और कोई और भी है। अभी अभी तो मैं डिजास्टर ही नहीं देखा आप लोगों ने, कहाँ गया वो डिजास्टर? ये क्या है, ये क्या है? दिस इज अ लिटरल ओशन मोन्यूमेंट। और ये कैसे, नहीं मैंने बड़ी लग जाएगा भागो यहाँ, ये कैसे है? मैं आपको बता दूँ, अब आप लोग कहो ये इसने पता नहीं कौन सी कमांड यूज़ की है, तो भाई पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, स्लैश गेम मोड नहीं चलता ये कमांड, ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1 पॉइंट अभी ना, मतलब जब ये हेडफोन्स आए थे ना मेरे न्यू वाले, तो मैंने इनको चेक करने के लिए ना सिर्फ 1.8.9 ना ऑन करना था बेडवर्ड्स में, अपने दोस्तों के साथ एक दिन मैंने खेलनी थी, तो मैंने गलती से ना ये वाले वर्ल्ड को क्लिक कर दिया, मैंने 1.8.9 का अलग वर्ल्ड बनाया, मैंने इसे क्लिक कर दिया, तो अब ये जो है ना, अब उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये हो गया, आई डोंट नो, बट प्रोमिस ये इंटेंशनली नहीं हुआ। और ये देखो अजीब सा बग आया हुआ है, बट मैंने सिर्फ 5-10 सेकंड ही उसे ओपन किया था, मैंने बंद कर दिया, यहाँ भी है। अरे यार तो और भी देखते हैं, और कहीं लगा तो नहीं है, ये भी हुआ हुआ है। शेट, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी लगता है। यहाँ पे भी है, मैं गिरी की लगा तो नीचे देख के हैं क्या, जो ग्रेवल है पिछले जूली वगैरह, मतलब ये ऐसा कोई एज इन मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा बड़ी। हम ऐसा करूँगा मैं इसे ना कवर कर दूंगा, और यहाँ पे ना इन्हें बंद कर देंगे, ये तो आई थिंक नेचुरली जनरेटेड है, तो चलो कोई बात नहीं, इतना इशू नहीं है, ओशन मोन्यूमेंट को हम देख लेंगे, ऊपर से उसे ढक देंगे। ये जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसे मतलब हाइड करना मुश्किल है, तो चलो इसको रहने देंगे। वैसे ही हमें कौन सा इतना इनसे कोई वो है, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना भी बड़ा। अब ये ओशन मोन्यूमेंट है, इसे अभी देख के आते हैं हम। अभी फिलहाल आप लोगों को पता है कि पिछले एपिसोड में हमने फुल ये इंचेंटिंग सेटअप वाला बना लिया, तो आज हम लोगों का टारगेट होगा गोल्ड आर्मर बनाने का। तो गोल्ड आर्मर जो है ना, उसे बनाने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, बहुत है एक्सपी, जो हमारे पास नहीं है ज़्यादा। अब एक्सपी को कलेक्ट करने के काफ़ी तरीके हैं, एक है एक्सपी फॉर्म बनाना, और एक है वैसे मैनुअली बहुत ही मुश्किल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक्सपी फॉर्म बना लिया जाए, रुको मैं आपको आर्मर पता करवाएँ। ये मेरा आर्मर है जिसे आज हमने गोल्ड आर्मर में तब्दील करना है। अब ग्राइंडस्टोन बनाने की कैसे, ग्राइंडस्टोन कैसे बनता है, ग्राइंडस्टोन बनाने के लिए हमें चाहिए स्टोन स्लैब, 2 स्टिक्स और प्लैंक। अब स्टोन स्लैब कॉबल स्टोन मेल्ट करके आ जाएगा, तो स्टोन स्लैब है, मतलब मैंने ग्रैंड स्टोन बनाया था क्या, मुझे तो याद भी नहीं इतना पहले खेला था। खाना ये रहा, और थोड़ा और खाना होगा, यस। ग्रैंड स्टोन बनाने के लिए चलो एक स्टोन स्लैब आ गया, 2 स्टिक्स आ गई, और ये है ना 7 टेबल, इसको बना लेते हैं ब्रेड में, मीट और यस सर, नहीं सॉरी ब्रेड आ जाएगी चीज़, हाँ 21, लेट्स गो। अब हमें चाहिए 2 प्लैंक्स, बस 2 प्लैंक्स, ओनली 2, दो प्लैंक्स। अरे बस कर रहा भाई, मेरे जो भाई 2 ही चाहिए, नो, क्या है 2 प्लैंक्स, नहीं बड़ा लिटरली, नो वेस। तो भाई आज का जो हमारा टारगेट है उसे हम पोस्टपोन करते हैं,
और आज का जो हमारा जो मेन टारगेट होगा, अब जो मैंने सोचा है, हमारा आज का जो मेन टारगेट हमने रखना है वो है कि मैंने एक्सपी फॉर्म बनाना है। अब एक्सपी फॉर्म यार इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले मुझे बनाने नहीं आते सच बताऊँ तो मेरे पास एक आइडिया है जो मैंने मतलब देखा था एक बार, एक बंदे ने बनाया था, तो मतलब जो एक होता है ना बेसिक एक्सपी फॉर्म जो बहुत पहले बनाया करते थे वैसा बनाऊंगा, बट उसे बहुत ज़्यादा हवा में बनाएंगे ताकि ज़मीन रेंडर ना हो, और ये ज़रा मैं थोड़ी ना दूर वाली सोचूँ आपको बता रहा हूँ, ताकि ज़मीन ना रेंडर ना हो और मॉब्स ना सारे ऊपर हो, जो रेंडर हो रहा है ना वो सिर्फ एक्सपी फॉर्म हो और सिर्फ वही दिखे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ना जमीन पे मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे, सिर्फ एक्सपी फॉर्म के अंदर होंगे, सो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। अब ऐसा करते हैं जल्दी से अपना ग्राइंड स्टोन लेते हैं। यस सर, ओके। अब इससे हमने क्या करना है, ये हमारे पास डैमेज कितने हैं, 10। हाँ पिछले एपिसोड में हमारी लक काफ़ी अच्छी थी, इनको ना हमने करना डिसएन्चेंट, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया डिसएन्चेंट सारा, इसे हम रख देते हैं वापस और इसे रख लेते हैं अभी के लिए, यहाँ खाली जगह है, फर्नेस के ऊपर लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ ये सही है। आप ऐसा करते हैं हम लोगों को जब अब पहले एक मिनट रुको, एन्चेंट्स चेक कराते हैं कि किस किन किन चीज़ों में हमें क्या क्या एन्चेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो रियली क्विक सर। तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो जल्दी से, आई वुड बी रियली थैंकफुल टू यू। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो यार, किसी मतलब एक दो दोस्त को ही शेयर कर दिया करो, बट शेयर किया करो। अच्छा कि अनब्रेकिंग 3 दे रहे हैं यार, अनब्रेकिंग 3 तो नहीं चलेगा काम, पर चलो कोई स्वॉर्ड भी देख लेते हैं। स्वॉर्ड पे क्या, स्माइट 4 नहीं हमें नहीं चाहिए, स्माइट 4 शार्पनेस चाहिए होती है मुझे। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम एक बार एक्सपी आ गई फिर तो आगे करते रहेंगे ना, तो जल्दी वो डायमंड को संभाल दें, मरमर आना चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स आई होप मेरे पास सेव हूँ वीडियो में भी, वरना मैं पुरानी वीडियोज़ में देख लूँगा सेव किए हुए हैं उन्होंने। ये पागल हो गए यार, ये वॉन्टेड ट्रेडर को मेरा दिल करता मार दूँ, पर चलो खा रहा छोड़ देते हैं। ये ऐसा करते हैं अभी के लिए ना, मेरे पास आइडिया अभी के लिए ना, हमें उस फार्म के लिए तकरीबन चाहिए 24 स्टैक्स ऑफ कोबल स्टोन, मतलब मुझे याद है मैंने बहुत बार वो बनाया हुआ है। तो चलो ऐसा करते हैं कि ज़मीन के नीचे जाते, हाँ मेरे पास एक ज़्यादा बेटर आइडिया, ज़मीन के नीचे। ये क्या हुआ है, इट वट यहाँ पर मसले हैं, लो जी ऑलरेडी माइंड, ये तो वैसे ही थोड़ा बहुत नेचुरली भी हो गया। चलो ऐसा करते हैं और नीचे चलते हैं थोड़ा, मैं ऐसा करता हूँ 12 लेवल जो है ना उसको मैंने करते हैं ताकि ना हम लोगों को वो भी मिल जाए। तो लगा ही नहीं ब्लॉक, नहीं मरेंगे टेंशन लो। यस अभी हम लोग जाते हैं 12 पे, ठीक है। खैर इस लेवल पे करने माइन और हमने करना यूं, ठीक है। चलो माइनिंग करते हैं जल्दी से ज़्यादा सारी, अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला मैं आपको दिखाऊंगा, और ये चीज़ें मिलती रहेंगी जल्दी करनी, ठीक है। आयरन में ले रहा मैं, भाई यार यहाँ तो पानी है बहुत ज़्यादा। चलो ख़त्म होने वाला है, आई होप सो प्लीज़ ख़त्म हो जाता है। ये क्या है यहाँ पानी क्या कर रहा है, तू क्या है। यस सर, चलो रुको मैं फुल ब्राइट टेक्सचर पैक ऑन करता हूँ, वरना फिर मैं माइनिंग करूंगा। अब आप लोगों से मिलता हूँ जब मेरी फुल इन्वेंटरी हो जाएगी पूरी। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. तो भाई काफ़ी टाइम से वैसे माइनिंग हो रही है, कितने स्टैक्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑलमोस्ट 6 स्टैक्स हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे मुझे पता समझ नहीं आ रही रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लिए मैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर से आया हूँ, तो यहाँ से डायमंड मुझे दिखे तो नहीं जाऊँगा। नीचे चेक कर लेते हैं, नीचे कुछ है तो नहीं, यहाँ से तो नहीं दिख रहा, तो एंगल मिले हैं तो नहीं, मुझे मैं नहीं जा रहा, सीधा ही माइन करो यार। जब मेरी इन्वेंट्री फुल हो जाएगी कोबल स्टोन से तब फौरन निकल जाएंगे यानी ना, तो दूर में अपनी जान रिस्क नहीं लाऊंगी। चलो भाई माइनिंग करते हैं। भाई यहाँ पे तो ख़त्म हो गई है जगह,
ऐसा करते हैं कहीं और पे शुरू करते हैं, मतलब ऐसा करो यहाँ से चलते हैं भाई, वहां पे तो वो केव है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करो। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, thinning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage. भाई ये माइनिंग करते हुए डायमंड्स मिल गए, लेट्स गो। मेरे पास फॉर्च्यून है। ओ डैम, होली 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 होली, डैम। वेट 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 वेट, भाई डायमंड्स मिल गए यार, इसी वजह से, दैट इज द ओनली रीजन। मैं कह रहा था कि यहाँ वोट करना, मतलब यहाँ जाना चाहिए, ऐसे नीचे माइन करना चाहिए, डायमंड मिलते हैं। ओके प्लीज, ज्यादा दो, यस दो और, ये यस, और चलो 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 चलो, कितने मिलेगा, 14 डायमंड्स, लेट्स गो। मैं टूल्स भी बना लूंगा भाई, मैं जा रहा हूँ ऊपर, बस बहुत हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई। चलो भाई जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूँ भाई, इतना टाइम चलने के बाद फाइनली मैं ऊपर पहुँचने वाला हूँ, बस मरना नहीं है, सक्सेस। हाँ ये इसके ऊपर से वो, वहाँ मेरा घर है, लेट्स गो। वो घोड़े मुबारक हो, वो पिग मुबारक हो। अमीर हो गया मैं, अमीर हो गया, अमीर हो गया, क्या करने गया था, क्या कर रहे हैं, लेट्स गो भाई साहब। ये होती है लक, थैंक गॉड भाई, बहुत अच्छी लक है यार मेरी। ओके जल्दी से चलो, और आयरन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला है, स्मेल्टिंग के लिए लगा देते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया होता है कि मतलब अगर आप करने जाओ ना ये सारा काम, और आप ऐसे थोड़ा नीचे लेवल पर जाओ तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट काफ़ी हो जाता है। ये ब्लॉक्स हैं, ये भी रख लो, और ये आयरन भी देख लो, आयरन की अमाउंट देखो बस कितनी है, 61 वैसे है, 64 और लगा दो, 18 से ये हो जाएगा, और इसके अंदर वैसे ही गोल्ड है, और 64 इसमें लगा दो, इसके अंदर वैसे ही है, इसके अंदर और कुछ लगाने वाला है नहीं, तो गो। और कितना कोल आ गया हमारे पास, कोल देख लेते हैं, लेट्स गो, स्टैक प्लस कोल। कोल की हमेशा ही ना मेरी शॉर्टेज रहती है मेरे पास, तो अब आ गया कोल। अब देखते हैं हमारे पास टोटल डायमंड्स कितने बजेंगे, रेड स्टोन हमारे पास बहुत कम है, पर खैर कोई बात नहीं। यार इसे ऐसे करते हैं, इसका ना चेस्ट शिफ्ट कर देता हूँ, छोटा चश्मा नहीं रखना है, फिर बड़े चश्मे रखो यार, मतलब जाहिर इतना कम सामान तो ना आने हमारे पास, ना तो सारा आएगा, इसमें रखते हैं सबसे ऊपर 24 डायमंड्स, लेट्स गो भाई साहब। और यहाँ रख देते हैं लैपिस लाजुली, हाँ ऐसा करता हूँ, यूँ कर लेता हूँ ताकि ना लाइन लग जाए सबकी। ये कोल को यहाँ कर लो, एमरल्ड्स को यहाँ कर लो, ये एमरल्ड्स, ये डायमंड्स स्प्रेड कर देते हैं, ओह नाइस, पूरे एग्जैक्ट हैं। तो यहाँ पे यूँ गोल्ड आ गया, ये आयरन आ गया लाइक दिस, थोड़ा और तो ये यूँ आ गया, रेड स्टोन को यूँ कर देते हैं। यहाँ पे अब तकरीबन सारे ही ओर्स हैं, बस कॉपर यहाँ आएगा, और बस इतने ही होते हैं ओर्स, और उसकी शॉर्टेज हो गई। चलो कोई नहीं, आयरन मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा मेरे पास, तो इसको ऐसा करते हैं टूल्स को चश्मे से बना लेते हैं, मतलब जो चीज़ें हैं ना वो इसमें डालते हैं अब जल्दी से। और अब मुझे चाहिए, अब जो मुझे चीज़ें चाहिए ना वो हैं, सबसे पहले होपर्स, होपर्स चाहिए होते हैं तकरीबन 4 लोगों को, तो होपर्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चेस्ट चाहिए होते हैं, चेस्ट बन जाएंगे, नहीं यार ऐसा करता हूँ मैं जल्दी से ना ज़्यादा सारा बोले कहता हूँ वुड। अभी एक्चुअली मेरे पास हो चुके हैं होपर्स, मतलब होपर के लिए चेस्ट है मेरे पास, और 4 मैंने चेस्ट भी वैसे भी इकट्ठे कर लिया, सो जाते हैं, और जल्दी से और होपर्स वगैरह मैं फटाफट से ना ऐसा करता हूँ सारा सामान कलेक्ट करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो बॉयज हम लोगों के पास सारा सामान मैंने कलेक्ट कर लिया, ये देख लो, थोड़ा सा कोबलस्टोन पड़ा है, कोबलस्टोन अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा हमारे पास काम है, बट कोई बात नहीं, हम माइन कर लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब अगर हमें काम पड़ा तो हम कर लेंगे, वैसे तो पड़ेगा ही, पर चलो कोई बात नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि बनाएं किधर, तो बनाने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस हैं हमारे पास, बट जो सबसे अच्छी लोकेशन मेरे हिसाब से है ना वो है इसके ऊपर, ताकि हमें ना दूर से अपने घर का वो भी दिख जाए कि हम लोगों का घर किधर है। तो चलो बनाते हैं, अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, जब तक हमें हमारी विजन में ये ना आए ना हमारा घर वगैरह, तब तक मैं ऊपर वो करता रहता हूँ बिल्ड, आप लोगों से मिलता हूँ बिल्ड करके। ऑलमोस्ट हम लोगों की विजन हो चुकी है, मतलब ब्लाइंड, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, पर चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपना
एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अच्छा अब हमारा ये हो चुका है, अब मैंने पता क्या करना है, अब यहाँ पे स्लैब्स जो मैंने यहाँ लगा दिया था अगली जगह पे कम पा रही थी, कोबल स्टोन के बना लेते हैं स्लैब जल्दी से, वो 2 सेकंड का काम है, जल्दी से लाइक दिस। और ये मैंने फुल एरिया बना लिया, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, जस्ट यहाँ पे मैंने गलती से नीचे गिरा दिया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा एडजस्ट कर लेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मेजर। ऐसे करते हैं, इसे तोड़ते हैं, मैं जंप कर सकता हूँ नहीं, इसको मैं नहीं कर सकता, दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। अभी मेजर अब यहाँ पे मैंने जो देखा है ना, यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 22 ब्लॉक स्टोल, ठीक है 22 एग्जैक्ट, आप लोगों ने बनाना हो तो मैं आप लोगों के लिए भी इजी कर दूंगा। ये देखो ये आंटी इसे काटो, यस लाइक दिस। और लाइक दिस दिस और दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम, इसे काटेंगे, इसे तोड़ेंगे, हमें ब्लॉक ज़ाया नहीं करने, ज़्यादा हमारे पास वैसे शॉर्टेज है। अब इसे हमने 22 ब्लॉक्स आए, अब ये ऑल साइड्स इक्वल हो गई हैं, अब हमने क्या करना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 हाँ ये देखो, अभी मैंने गलती कर दी थी एक, आप लोग भी ऐसा ना चेक कर लेना, 2 3 4 5 6 7 8 अब इसे मिला के हमने 8 का कर लिया, चारों साइडों को, चलो जल्दी से करता हूँ। अब ये 8 का बन गया ना, ये देखो इतना एफिशिएंट है कि अभी नीचे मैं देख रहा हूँ फिर भी ये स्पॉन हो जा रहे हैं, तो मजेदार ये बनेगा, कितना एफिशिएंट हो जाएगा ये। अब पता क्या करना है, ये है ना, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूं यहाँ से ये ऐसे 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 ना चारों साइडों पे ना इसके ऐसे कॉर्नर्स बना देने, यहाँ से एक्चुअली स्लिप होंगे ज़ॉम्बीज और मतलब क्रीपर वगैरह सारे ना यहाँ से स्लिप होंगे, तो जल्दी से ये करना है। अब ये देखो ये चारों साइडों पे बन गया ना, अब क्या करना है, हमारे पास पानी इतना ज़्यादा नहीं कि हम चारों साइडों पर करें, यहाँ पे एक प्लेस करना है और एक यहाँ पे करना है, जिससे बन जाएगी अनलिमिटेड वाटर सोर्स, बकेट्स भरो और यहाँ प्लेस करना शुरू हो जाए, 1 2 अब इतना हो जाएगा। अगर ये नीचे फ्लो करने लग जाए तो इसका मतलब आपने एक ब्लॉक कम बनाया, इसे एक ब्लॉक एक्सटेंड कर दो, मतलब आपने ना 7 का बना लिया, तो अब ये जल्दी से ऐसे चारों साइडों पर करना है, ये देखो लाइक दिस एंड दिस, तो ये भी इक्वल है, 1 2 तो अब क्या होगा, अब आप इसे अगर तोड़ोगे ना तो ये देखो अब ये एक ब्लॉक नीचे चला जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने अपनी बकेट्स भरनी है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, और आपने यहाँ ब्लॉक प्लेस कर देना है, फिर आप जब यूँ करोगे ना तब ये इक्वल हो जाएगा, अब आपके पास बकेट्स में पानी भी है और आपका काम भी हो गया, ठीक है। अब आपने इसे एक ब्लॉक टॉल करना है, अगर कि बारिश म्यूजिक कंडक्टर को मैं साउंड ऑफ करूँ, ऑप्शंस म्यूजिक एंड साउंड रेन वेदर ऑफ, अब बारिश की आवाज़ नहीं आएगी, और ऊपर यार बारिश के पार्टिकल्स भी ऑफ कर देते हैं, ऑप्शंस वीडियो सेटिंग्स क्वालिटी रेन 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 कस्टम का है नहीं यहाँ नहीं आता डिटेल्स में प्लीज रेन स्लो ऑफ बस अच्छा अब आवाज़ भी नहीं आ रही अब दिख नहीं है। अब इसे एक ब्लॉक ना ऊपर करना है पूरे को, ठीक है तो जल्दी से करते हैं। अब ये हमारा हो चुका है, अब हमने क्या करना है देखो यहाँ से लेके अब हमने थोड़ा अंदाज़ा हमारा अच्छा होना चाहिए, वहाँ से हमने शुरू करना है और यहाँ से ना इस साइड से ये आउटलाइन बना देनी है, फिर ये आउटलाइन हमें क्या करना है, ये आउटलाइन हमें चारों साइडों पे करनी है और उसे फिल कर देना है अंदर से, तो मतलब कि मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भी बनाना हो तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो अब ये चारों साइडों से मैं फिल करता हूँ और बाउंड्रीज बनाता हूँ, ठीक है लेट्स। इसी के साथ हम लोगों का प्लेटफॉर्म बन चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वो हैं कम, और हम लोगों को वैसे मैंने बताया था कम पड़ जाएंगे, बट अभी जितने हैं उनसे पता है क्या करना है, ये 1 2 1 और 2 कर दिया और 3 नहीं अभी वैसे 1 2 ही करो, ठीक है ये अब ऐसे चारों साइडों पर करो जल्दी जल्दी से, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को वैसे ही दिखा दूँ, बस थोड़ा ध्यान से करना है, बाकी ये ईजी है बहुत जल्दी हो जाता है। देखो 2 साइडों का हो गई है, तीसरी साइड भी शुरू हो गई है, बहुत इजी काम है, जब मुझे इस काम में मुझे बड़ा मज़ा आता है ये। और ये स्नो यहाँ जम रही है, अब इसका मुझे नहीं पता क्या करना है, पर चलो कोई बात नहीं,
यस देखो अब हमारी चारों साइड हो गई कवर। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से ना क्या करना है, ये देखो इस पे आने दो इसकी खैर। हमने क्या करना है, इसे तोड़ना है और पूरे को ना हमने कवर करना है। अब मेरे पास है कमी ब्लॉक्स की। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ढूंढूंगा जगह जहाँ पे मैंने लैंड होना है। यहाँ पे भी नहीं है, ये यहाँ पानी गिराता हूँ और ऐसा करता हूँ मैं जल्दी से नीचे पहुँचता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ थोड़े और ब्लॉक्स कलेक्ट करके और वीडियो को बनाते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं तो जल्दी जल्दी अब काम करते हैं। अब मैं फाइनली सदियाँ लगा के पहुँच चुका हूँ वापस ऊपर। चलो अब जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, एक्सप्लोर अपना कर देते हैं कंप्लीट अच्छी तरह। रुको ऐसा करते हैं, इससे पहले अब हमारे पास ब्लॉक्स तो आ गए हैं, होप के इनफ होंगे, तो इससे पहले ऐसा करते हैं हम ये लगा देते हैं। चलो भाई ये कंप्लीट हो गया, अब जल्दी से ऐसा करते हैं ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से तुम तो रुको यार, स्नो मुझे गंदी लगती है। चलो अब जल्दी से ऐसा करते हैं, ये जो मैंने काम करना है वो करता हूँ जल्दी से। अभी मैं आप लोगों को करके ही मिलता हूँ, ठीक है? ये मुझे लग रहा है थोड़ा काम पड़ जाएंगे ब्लॉक्स दोबारा। चलो लेट सी, कोई नहीं। तो भाई मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है ये मुझे। अभी मेरे पास कोबल स्टोन का एक्स्ट्रा पड़ा था बट मुझे लगा कि ख़त्म हो जाएगा, तो अब पता क्या करना है, अब जल्दी से ना यहाँ पर पानी गिराओ एक बकेट। यस सर, जब भी नीचे पहुँचेगा इस फोरन से इन सबको तोड़ो, आप मोस्ट फोन लग जाएंगे। यस टूट जा। यस एंड अभी ये तो बहुत एंड में लगी है, शिट। भागो भाई नीचे। माफ कर भाई मुझे क्रीप करो ना, डैमेज नहीं ऊपर से भी आ रहे हैं। शिट शिट शिट, ये तो मेरा नीचे से डैमेज हो गया थोड़ा सा फॉर्म। ये तो इनसे इजीली निबड़ जाऊंगा मैं तो, इसलिए अब ये दोनों बस। ओके अरे बेटे मुझे मारेगा, इतना बड़ा हो गया है। अच्छा जी अब ये थोड़ा सा मतलब रह गया काम जो है ना हमारा, ये लाइक दिस। अभी ऊपर रुक गए हैं वहाँ पे ना, जहाँ पे मैंने वो किया कि टूट गया यार थोड़ा। शिट यार अरे किडिंग, गुस्सा आ रहा है इसको करना मुझे बहुत ज़्यादा। रुको ऐसा करता हूँ मैं जल्दी से ना इस फार्म को फिक्स करके आया। तो भाई फार्म को फिक्स करने में इतना टाइम लग गया कि अगला दिन शुरू हो गया। ये बहुत देख लो, मतलब इसी लिए आपको बता रहा कि बहुत अच्छा फार्म है। दूर दूर से हट ना जाएंगे ना, मैंने हर चीज फिक्स कर दी है। स्लैब भी और चेस्ट मैंने कहा अभी मैं ले आया था, उसमें बहुत टाइम लग गया इसलिए अगला दिन भी शुरू हो चुका है। और ऊपर से भी उन्होंने काफी डैमेज किया हुआ था, मैंने वो भी फिक्स किया है। स्केलेटन देखो यहाँ जमे हुए हैं, इतना लैग हो रहा है, देख रहे हो मतलब इतनी जल्दी लेवल बढ़ रहा है। तो अब ये ज़्यादा सारा लेवल हम करेंगे अगले एपिसोड में, जो कि आई होप ये एपिसोड मुझे भी नहीं पता कब आएगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एडिटिंग का। बट आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगी है, लिटरली मैंने सुबह के 11:30 बजे शुरू की थी और अभी 3:30 बज रहे, बहुत टाइम लगे इस वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।